अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ये फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव हमने लास्ट वीडियो में नाउन प्रोनाउन वर्ब को कंप्लीट किया। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच वन इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, स्टेट, साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, करेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन, एज एटसेट्रा। मीन्स एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नाउन है, हम नाउन के बारे में बात कर सकते हैं कि वो कैसा है, टॉल है, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो कैसी है, कलर कैसा है उसका, साइज़, स्टेट, करेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकते हैं, क्वान्टिटी है, क्वालिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं। सपोज बॉय इज़ अ नाउन। अब आपको बताना है कि ये बॉय कैसा है, स्मार्ट है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड स्मार्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को, कि बॉय कैसा है, स्मार्ट है। तो ये जो स्मार्ट वर्ड है ये कहलाएगा एडजेक्टिव। अब बॉय टॉल हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, टॉल इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, शॉर्ट है, किसी भी तरह के हम बॉय के बारे में बताते हैं। तो जो वर्ड हम यूज़ करेंगे बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए वो वर्ड कहलाएगा एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डॉग। अब डॉग के बारे में हम इसके कलर के बारे में बता रहे हैं कि डॉग कैसा है, ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक वर्ड क्या होगा यहाँ पर? एडजेक्टिव, क्योंकि ये डॉग के बारे में बता रहा है। और डॉग क्या है? नाउन। ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम कहें शी इज़ अ गर्ल। अब गर्ल को आप डिस्क्राइब करना चाह रही कि वो कैसी है, तो आपने कहा कि ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल यहाँ पर नाउन है, और नाउन कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वर्ड होगा आपका एडजेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हमने वर्ब में वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी। जैसे वर्ब की जिस तरह फाइव फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। हम जिस तरह वर्ब की फॉर्म्स को याद रखते हैं कि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सिमिलरली आपको याद रखना पड़ेगा कि एक एडजेक्टिव है तो उसकी जो डिग्रीज हैं, जो तीन डिग्रीज हैं, आपको वो पता होनी चाहिए कि तीनों डिग्रीज़ के क्या नाम हैं। और अगर हमने बात करनी है डिग्रीज़ को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, चलें सीखते हैं। देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं। पहले को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज़ कंपेरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री। व्हाट इज़ पॉजिटिव डिग्री? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव मेक्स नो कंपेरिजन। यानी अगर हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और इसे हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम नाउन को के ही बारे में कह रहे हैं, तो हम इसके लिए पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। सपोज़ हमने एक बिल्डिंग देखी, हम कह रहे हैं अ टॉल बिल्डिंग। तो हमने सिर्फ एक बिल्डिंग को देखा और उसके बारे में बात की, हमने इसे किसी भी बिल्डिंग मतलब दूसरी बिल्डिंग या किसी और बिल्डिंग से कंपेयर नहीं किया, तो हम इसके लिए पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करेंगे, विच इज़ टॉल। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। आपने कार देखी और आपने कहा ब्यूटीफुल कार, आपने बस उसी कार की तारीफ़ की और किसी कार से उसे कंपेयर नहीं किया, तो हम जो यूज़ करेंगे एडजेक्टिव, इस वक्त हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल। सेकेंड वन इज़ कंपेरेटिव डिग्री। द कंपेरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू पीपल, थिंग्स, एक्टिविटीज़ और क्वालिटीज़। यानी हम कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में तब यूज़ करेंगे, सपोज़ हमने एक चीज़ के बारे में बात की, इसे हम किसी एक और चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ से किसी को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए सिर्फ वो एक ही चीज़ हो, एक से ज़्यादा ना हो। सपोज़ आप एक लड़की को किसी दूसरी लड़की से, और लड़की दूसरी एक ही है, और आप कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप जो डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ करोगे वो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करोगे। और उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि जो भी आपका एडजेक्टिव है उसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है। सपोज़ आपने यहाँ पर आप टॉल बिल्डिंग की बात की, तो आपने सिर्फ उस बिल्डिंग की ही बात की, अगर आप उसको किसी एक और बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे तो फिर आप टॉल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अ टॉलर बिल्डिंग देन दिस वन। कंपेरेटिव डिग्री में हम ER को यूज़ करते हैं और THAN देन को यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस कार इज़ मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। यानी आपने फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री में देखा दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ एक कार की बात कर रहे थे। अब हम इस कार को किसी दूसरी कार से कंपेयर कर रहे हैं जो एक ही है, यानी एक से ज़्यादा कंपेयर करने की चीज़ें ना हो, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कंपेरेटिव डिग्री। दिस कार इज़ मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री होता है मोर ब्यूटीफुल। और फिर हम यहाँ पर जिससे कंपेयर कर रहे हैं वहाँ से पहले हम लगाएंगे देन, THAN यूज़ करते हैं इसके लिए, देन योर्स। थर्ड डिग्री हमारे पास, जिसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स अ पर्सन, थिंग, एक्टिविटी विद द ग्रुप। यानी अगर आप किसी चीज़ को एक से कंपेयर करते हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे कंपेरेटिव डिग्री, और अगर आप एक से ज़्यादा यानी दो या दो मोर देन टू
थिंग्स या कोई भी लोग हैं या चीज़ें हैं आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को. फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. अगर आपने सिर्फ एक बिल्डिंग की बात की तो आपने टॉल कहा. अगर आपने एक बिल्डिंग को एक और बिल्डिंग से कंपेयर किया तो आपने टॉलर यूज़ किया. और अगर आप इस बिल्डिंग को दो या दो से ज़्यादा बिल्डिंग से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार आई हैव नेवर सीन. यानी आपने पहली दफ़ा कार सिर्फ एक कार की तारीफ की तो आपने कहा ब्यूटीफुल कार. जब आपने एक और कार से इसे कंपेयर किया तो मोर ब्यूटीफुल कहा. अगर आप दो या दो से ज़्यादा कार से कंपेयर करेंगे तो फिर हम इसे कहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल कार. एडजेक्टिव को कैसे आपको याद रखना है ये भी रूल्स फॉर मेकिंग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. यानी आपको याद करना पड़ेगा कि अगर कोई कब हमें पॉजिटिव, एक तो पहले आपको बताना चाहिए हमें कब पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना है, कब कंपेरेटिव और कब सुपरलेटिव. जब आपने ये सीख लिया उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है. सपोज़ अगर आपने एक चीज़ को टॉल कहा कि ही इज़ अ टॉल बॉय, तो आपने एक लड़के की बात की वहाँ पर पॉजिटिव टॉल है. अगर आप उसको टॉलर कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. टॉलर तब यूज़ करेंगे जब आपने उसे किसी एक और लड़के से कंपेयर किया. और अगर आप उसे ज़्यादा लड़के से कंपेयर करेंगे तो फिर आप वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. अब इसको याद रखने के लिए आपने देखा आपका जो पॉजिटिव डिग्री है वो वंस लेबल एडजेक्टिव यानी टॉल बिग. यहाँ पर वन वॉल साउंड है तो ये वंस लेबल एडजेक्टिव है. तो टॉल का आपको कंपेरेटिव डिग्री याद होना चाहिए. अगर वंस लेबल है तो ER और सुपरलेटिव के लिए EST यूज़ करते हैं. टॉल टॉलर टॉलेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट. तो ये आपने याद करना है. साथ स्पेलिंग पे भी रखिएगा कि अगर आपने बिगर लिखा है और बिगेस्ट लिखा है तो उसकी क्या स्पेलिंग है. सेकेंड अगर आप देखते हो आपका एडजेक्टिव टू सिलेबल है यानी पीसफुल. देयर आर टू सिलेबल इन दिस वर्ड. तो इसके लिए आप यूज़ करोगे कंपेरेटिव डिग्री में मोर पीसफुल एंड मोस्ट पीसफुल. केयरफुल देयर आर टू सिलेबल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल. इसके अलावा आप टू सिलेबल में हैप्पी का हैप्पी. यहाँ पर टू सिलेबल है तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट भी हो जाएगा. थर्ड पॉइंट इज एडजेक्टिव विथ थ्री और मोर सिलेबल्स. अगर तीन सिलेबल वाले वर्ड हैं या उससे ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी हम मोर और मोस्ट को यूज़ करते हैं. मोर इज़ यूज फॉर द कंपेरेटिव डिग्री एंड मोस्ट यूज़ करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए. यानी जेनरस तो मोर जेनरस मोस्ट जेनरस इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर थ्री सिलेबल है तो मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इंग्लिश में आप जब रूल सीखते हो तो उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो भी आपको याद रखना है. यानी आपने वन सिलेबल टू सिलेबल और थ्री सिलेबल को सीखा कि क्या करते हैं. लेकिन इसके बाद भी आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि एक्सेप्शन्स होते हैं यहाँ पर जिनको इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गुड पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसका आप गुडर या मोर गुड नहीं कह सकते. इसका जो कंपेरेटिव डिग्री होगा वो होगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट. इसी तरह लिटिल है तो लेस लीस्ट. क्वाइट के दो होते हैं, आप क्वाइटर कह लें या मोर क्वाइट कह लें या और इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री में आप क्वाइटेस्ट कह लें या मोस्ट क्वाइट कह लें. एडजेक्टिव्स कोई भी डिग्रीज आपको याद करनी पड़ेगी कि पॉजिटिव डिग्री के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होते हैं और एडजेक्टिव क्या होता है. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपने गलत यूज़ कर लिया, अगर आप एक ही बात कर रहे हैं और वहाँ पर आपने सुपरलेटिव या कंपेरेटिव को यूज़ कर लिया तो आपका जो सेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी आप एडजेक्टिव्स को यूज़ करें तो बी केयरफुल कि आपने गुड कहना है, बेटर कहना है या बेस्ट कहना है. और ये देखने के लिए आप ये देखें अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे तो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करें. अगर आप एक से कंपेयर कर रहे हैं तो आप कंपेरेटिव डिग्री को यूज़ करें. और अगर आप एक से ज़्यादा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं. और ये एडजेक्टिव आप यूज़ करोगे नाउन से पहले. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.